सो गाइस, अभी तक की स्टोरी में आपने देखा है कि टेक्नो एटम बिल्कुल नोब था। उसी टाइम पे वो दिमाग लगाता है, चलो बॉक्स के अंदर में छिप जाता है और उस ड्रम के अंदर वो पैक हो जाता है। अब क्या था, उसी टाइम पे एक पबजी वाला नोबड़ा वहाँ पर बड़े ही स्वेग से गाना गाता हुआ इतना तक आ रहा था और उसी टाइम पे उसको ये पता नहीं था कि पीछे एटम बैठा है और उसी टाइम पे एटम खड़ा होता है और एक ही पेन के प्रहार से उसको सीधे लॉबी में पहुंचा देता है। कि कुछ प्लेयर पीक के अंदर लूट कर रहे थे और उसी टाइम पे एक पबजी वाला नोबड़ा पीछे से आकर गन फायर करके दोनों को लॉबी में पहुंचा देता है। वहाँ पर एक बंदा पबजी वाले बंदे से बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो दूसरे घर के अंदर जाता है। जैसे वहाँ पर जाता है उसको M87 वाली गन मिल जाती है और अब क्या था, वो सोचता है कि अब तो मैं सभी बंदों को मार मार कर लॉबी में पहुंचा दूंगा। और गाइस, उसी टाइम पे कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है, लेकिन इससे पहले गाइस, आप इंसान हो तो वीडियो को लाइक करो और अगर आप जानवर हो तो मत करो। देखते हैं मेरी वीडियो को कितने इंसान देखते हैं। पबजी वाले नोबड़े बिल्कुल नोबड़े थे, वो आपस में लड़ने लग जाते हैं और वो बुरी तरह झगड़ने लग जाते हैं जिससे वो एक दूसरे को मार मार कर किल लेना स्टार्ट कर देते हैं। और गाइस, अब क्या था, अपने फ्री फायर वाले बंदे भी कहां कम थे, वो भी यहां पर मौके का फायदा उठाना चाहते थे, वो नोबड़े भी यहां पर उन्हीं की लड़ाई में शामिल हो जाते।